फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी मैं घर के कर रही हूँ साफ़ सफाई, जैसे कि बाहर अभी वॉश करके आई हूँ पूरा आंगन, और अभी कर रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज, फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछे क्योंकि काम वाली आ नहीं रही है। जैसे कि अभी फटाफट से कर देते हैं घर के काम और सुबह का खाना निपटाते हैं, फिर शॉप पर आ गए हैं वो दिमाग के ट्रीटमेंट करने के लिए भैया। तो शॉप पर अगर जा पाऊँगी तो शूट ऑफकोर्स करूँगी और आपको बताऊँगी कि किस टाइप से हो रहा है ट्रीटमेंट। और अभी करती हूँ घर के काम, तो देखिए आप। बेड तो हो गया है तैयार और अब जाती हूँ किचन में। किचन में पड़े हैं कल के बर्तन, क्योंकि मैंने सोचा था कि सुबह काम वाली बाई जी हैं जो उनकी लड़की आती है बर्तन धोने के लिए, वो आएगी, पर वो नहीं आई। तो पड़े हैं बर्तन, बर्तन को क्लीन कर देती हूँ और झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वगैरह सब धुल चुके हैं और झाड़ू लगाया, और जो हमारी बाई जी है उनकी लड़की आ गई थी तो वो भी लगा रही है पोछा, और बाथरूम वगैरह भी साफ़ करने हैं तो वो तो कर देगी क्योंकि मैंने उसके लिए झाड़ू लगा दिया था इसलिए। और अभी मैंने बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया है, जहाँ पर हैंड वॉश करते हैं ना, वो क्लीन कर दिया है। और मेरे पेट में और कमर में काफ़ी दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ रेस्ट और फिर खाना बनाऊँगी। हालांकि अभी 11:30 तो हो गई है, 10-15 मिनट कुछ रेस्ट कर देती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। अभी ह्यू हमाली है ना, बहुत लोली थी तो इसको मैं लिपस्टिक लगा के थी, मैंने जो लगाई है वो, तो इसके वो उसी लिपस्टिक से हम ब्लश भी कर देंगे ऐसे ऐसे करके। ओ, मेरी प्यारी प्यारी बेटी इतनी सुंदर दिखली है, वाव। अरे लोती बनानी है क्या आज? लोती बनानी है ना, आप बनाओगी? हिया की चोटी बन गई है। अभी आया था चिकू का कॉल, चिकू बोल रहे थे कि तुम दुकान आके एक बार देख लो क्या कैसे हो रहा है। अभी बन रहा है खाना, आटा बांध देती हूँ। अभी जा रहे हैं हम शॉप पर, और शॉप पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने काम देखा ही नहीं है जो दिमाग वाला हो रहा है ट्रीटमेंट, तो चलिए वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि कैसे हो रहा है काम। आ गई हूँ मैं शॉप पर और देखा है जगह जगह पे हॉल हो रखे हैं। अब मैं तो थी नहीं, क्या प्रोसेस कैसे हुआ वो सब आपको हैप्पी बिया अच्छे विस्तार में बताएंगे। अभी तो मैं जो बाद में देखे दिख रहा है अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट वो बता रही हूँ। अगर लाइव देखना है कैसे हॉल हुए, कैसे दवाई डाली, ये सब आप हैप्पी बिया के व्लॉग चैनल पर जाके देख सकते हो। HP पंचाल व्लॉग्स है उसका नाम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हर जगह पर छोटे छोटे छेद किए हैं सब तरफ, आप देख लें, और ऊपर की तरफ भी जो गैप था उसके अंदर पूरी दवाई का छिड़काव कर दिया है बैक साइड से भी। अच्छा। और इस तरफ देखें गैलरी में, तो गैलरी में भी अभी आपको सारे हॉल दिख रहे होंगे, लगभग लगभग सारे छेद, और अभी छेद बंद होने का काम भी चालू हो गया है। अच्छा। और ये भैया अभी कर रहे हैं, अभी जो हॉल है उनको पैक करने का काम कर रहे हैं ये भी। और हर जगह पर मोस्टली 3 बार तो काम हो गया है। अच्छा। जो दवाई थी उसका छिड़काव 3-3 बार कर दिया है। ओके। और मैं कह रही हूँ ये नीचे इतना सारा पानी जैसा क्या? ये पानी दवाई है। अच्छा। जो ये दवाई इन छेदों में डाली थी। हाँ। वही दवाई अंदर जाके फिर वो ज्यादा प्रेशर होता है तो वो रिटर्न आती है। अच्छा। क्योंकि एक बार डाली उसका लेवल फुल हो गया, तो 2 बार डाली फिर और लेवल हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा थी वो बाहर आ गई है। अच्छा। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर यहाँ किए ना। अच्छा, टेस्टिंग हो गई, ये भर दिए, ये सारे छेद भर दिए। तो इससे बैक साइड में जितने भी हैं सारे छेद ऑलरेडी भर दिए, अब आगे नहीं भरती है। अच्छा। और यहाँ पे कुछ किया? ये सब छेद की। अच्छा, यहाँ पे भी ये है ना, सब ऑलरेडी पैक हो गए। ठीक है ठीक है। और पार्लर की क्या स्थिति? पार्लर पूरा फुल है। फुल है। क्या काम चल रहा है? लाइट करना। अच्छा, बाप रे, पूरी सफाई वापस करनी पड़ेगी। पूरी नए जैसे सफाई करनी पड़ेगी। वो वहाँ पे भी किए, कॉर्नरों में भी छेद किए थे दोनों तरफ। अच्छा। पर वो पैक कर दिए सारे।
अच्छा जैसे कि वो बोतल देखिए ना 30 वॉल्यूम की, उसके साइड में देखे एक वो दिख रहा होगा अंदर में छोटा सा, हाँ वो भी पैक कर दिए। अच्छा तो ऊपर भी करा है इन्होंने कुल मिला के यूं बराबर। ये जो मिरर है इसके ऊपर जो है वहाँ पे भी जो गैप था वहाँ पे भी पूरा तीन तीन बार लकड़ी में अगर रही भी हो तो भी। यहाँ पे क्या कह रहा था तू, दीमक वापिस आई थी आज इस जगह पे, वो लाइन दिख रही है वहाँ पे दीमक आई थी, तो अभी तो कम्प्लीट है नहीं, पांच पांच बार यहाँ तो ज्यादा एक्स्ट्रा बार मारा इन्होंने लिक्विड, और इसमें भी छेद किए थे। अच्छा और डाउन में भी किए थे लगभग लगभग पूरा काम इन्होंने कंप्लीट किया। मेरे को भी लगता रहा था यहाँ अंदर गई है दीमक, हाँ वो गई है तो ही निकल रही है इतनी, अब देख ले एक दिन में इतनी निकल रही है तो फिर कुल मिला के काम तो किया है। देखो रिजल्ट क्या मिलता है, पर रिजल्ट पाँच साल का लिखित में कह रहे हैं ना, और इधर भी वही हाल है स्टूडियो के भी, स्टूडियो के भी वही हाल हो चुके। चलो हाल कैसे भी हुए कुल मिला के, हाल कैसे भी हुए सफाई हो जाएगी पर दीमक वापस नहीं आनी चाहिए। नहीं पर एक बात इन भैया ने बोली है, हाँ कि वो तो आपको मेरे ब्लॉग में बोल देंगे पर इस ब्लॉग में मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इन्होंने एक बात ये बोली मैन कि आपने बिल्कुल सही टाइम पे पता कर लिया कि यहाँ पर दीमक की प्रॉब्लम है, और अगर इसमें 10 से 15 दिन और भी लेट हो जाते तो लगभग लगभग काम पूरा कर देते ये दीमक इसका, तो बहुत ही भगवान अपने साथ था और अपना काम भी बहुत अच्छे टाइम पे हो गया ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, शॉर्टकट में निपट गया। सही है, नहीं तो अपना लगभग सारा फर्नीचर हो जाता खराब, फर्नीचर पूरा रिप्लेस ही करना पड़ता है इस, क्योंकि दीमक है वो ख़त्म कर देती है, वो चीज़ यूज करके भी क्या करेंगे, कंडीशन खराब हो जाएगी। पूरा के बाद रूम के साइड भी मार, तो मैं भी छेद मारे सब जगह, यहां पे भी मारा नहीं, नहीं हां हम भी छेद मारे सब जगह पे। ये तो चुलबुल पांडे वाला हो गया, इतने छेद करेंगे इतने छेद करेंगे, अब दीमक को भी पता नहीं चलेगा हम खाए कहां से और फैले कहां से। वैसे परिये अपन पर एक बार मैंने नोटिस की, जिस दिन से दुकान की ओपनिंग हुई है ना, उस दिन से अपन हर एक 10 दिन में एक प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे, यानी फर्स्ट दिन हुआ था पानी ओवरफ्लो हो गया, हर दिन कुछ ना कुछ, क्या मालूम किसने नजर लगाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी बढ़ने से पहले अपन को पता लगा देते। जैसे कि अभी हो गया है दीमक का कंप्लीट ट्रीटमेंट और हॉल है वो सारे बंद हो रहे हैं, आपने देखा होगा व्लॉग में, और कुल मिला के ये होप करो चलो खर्चा हुआ वो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको ज़्यादा बिगड़ने से पहले पता चल गया कहीं ना कहीं भगवान ने, कहते हैं ना हमारे वागड़ी में यानी कहावत है भगवान हुजड़ी एम काम थी हुए हूँ, तो बिल्कुल भगवान ने ही हमको ऐसे इंडिकेट किया है कि नहीं तुम जल्दी से करवा दो, हो गया काम हमारा अच्छा है। चलो अब चलते हैं घर, दो तीन दिन तक तो हमको क्लियर नहीं करनी है ये दवाई, जब जहाँ पर जा सके और जहाँ दीमक है वो मर सके, इसलिए हम इस दवाई को नहीं करेंगे क्लियर, परसों करेंगे कंप्लीट साफ सफाई। व्लॉग में बने रहिए, सलून जब ओपन होगा तब आपको पता चल जाएगा कि कब ओपन हो रहा है, क्योंकि अभी ये दीमक का काम चल रहा है, इसलिए सलून एक्चुअली क्या अंदर की तरफ है, इसलिए हम अंदर रिस्क नहीं ले सकते और आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि नीचे दवाई फैली हुई है, तो इसलिए हम क्लोज ही रखेंगे सलोन 3-4 दिनों तक। ये दवाई कड़वी आती, ये दवाई कड़वी आती, हाँ कड़वी है, एक दो घूट पी गए आदमी खत्म ही हो जाता, साफ हो जाता है, साफ हो जाता। तो बहुत ही मजेदार बात है, ज्यादा नहीं एक घूट ही पीने काम खत्म हो जाता, एक घूट। शॉप से आ गई हूँ अभी घर पर, और घर पर आके किया स्टेन वगैरह क्लीन, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़कर चली गई थी, आके करूँगी यूँ करके, और अभी थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट और फिर आपसे मिलती हूँ। रेस्ट करके उठ गई हूँ और अभी जा रहे हैं हम एक फैमिली फंक्शन में, तो वहाँ पर मैं शूट नहीं कर सकती तो घर आके फिर आपसे मिलती हूँ। ओके बाय। चलो जाना है अभी फंक्शन में, तो चिगू गए हैं अभी वॉशरूम, तो मैं कर देती हूँ चिगू के शूज़ साफ़, बाहर से ले आती हूँ और फिर साफ़ करके रख देती हूँ ताकि उनको तैयार होने में टाइम ना लगे, तो चलिए शूज़ लेके आते हैं। ये रहे शूज़, इनको कर देंगे हम क्लीन। अब फटाफट से चिकू को करते थे रेडी और फिर जाते हैं। चिकन लिमन का है? वुदरिच होगा। वुदरिच तो नहीं।
अभी आ गए हम लोग फंक्शन में जाके और बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए करती हूँ व्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। बाय। और शॉप करो ऐप को, कर लो डाउनलोड और मुझे कर दो इंस्टाग्राम पर फॉलो। बाय।